18 मई 1974 का दिन भारतीय इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। आज ही के दिन 45 साल पहले राजस्थान के पोखरण में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था। भारत ने इस परमाणु परीक्षण का नाम स्माइलिंग बुद्धा रखा था और भारत ने यह परमाणु परीक्षण कर अमेरिका समेत कई देशों को चौंका दिया था। इस परमाणु परीक्षण से दुनिया ने भारत का एक अलग ही रूप देखा था और इसी परीक्षण के बाद ही परमाणु हथियारों की होड़ को रोकने के लिए कई देशों ने मिलकर NSG की शुरुआत की। NSG का मकसद परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकना था। भारत ने यह परीक्षण करते वक्त ही बता दिया था कि ये परीक्षण शांति के लिए था और इस परीक्षण का मकसद भारत को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बनाना था और उस वक्त अमेरिका वियतनाम के साथ युद्ध में उलझा हुआ था। इस कारण उसका ध्यान भारत के परमाणु परीक्षण पर नहीं गया और अमेरिका हैरान था कि कैसे अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियां और अमेरिकी सैटेलाइट्स इस परीक्षण का पता नहीं लगा पाई। परीक्षण के कारण भारत को बहुत सारे प्रतिबंध भी झेलने पड़े, पर भारत ने इन प्रतिबंधों को एक चुनौती के रूप में लिया। भारत को एक परमाणु संपन्न राष्ट्र बनाने की नींव आज ही के दिन रखी थी। 18 मई 1974 को जब परमाणु परीक्षण हुआ था, उस दिन भी बुद्ध पूर्णिमा थी और 45 वर्ष बाद आज के दिन भी बुद्ध पूर्णिमा ही है। इसी वजह से इस मिशन का नाम स्माइलिंग बुद्धा रखा गया था। 18 मई 1974 को हुए परमाणु परीक्षण की तैयारी बीते 7 सालों से चल रही थी। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के तत्कालीन अध्यक्ष राजा रमन्ना ने इस पूरे टेस्ट की कमान संभाली थी। उस वक्त उनके साथ भारत के मिसाइल प्रोग्राम के जनक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भी थे। कलाम ने पोखरण 2 के समय भी पूरे मिशन की कमान संभाली थी। पहले परीक्षण के लिए जो कोड वर्ड तैयार किया गया था वो था बुद्धा इज स्माइलिंग। इस टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट पर लंबे समय से एक पूरी टीम काम कर रही थी। 75 वैज्ञानिक और इंजीनियरों की टीम ने 1967 से लेकर 1974 तक 7 साल जमकर मेहनत की। मौजूदा हालात में जहां परमाणु परीक्षण हुआ है उसे चारों तरफ से फेसिंग करके घेर दिया गया है और सेना ने करीब 500 मीटर के घेरे में इस स्थल की तारबंदी जरूर कर रखी है। आज ही के दिन 45 साल पहले दुनिया में भारत ने परमाणु शक्ति संपन्न देशों में अपना नाम जोड़ने की पहल की थी, जिसकी नींव पोखरण में रखी गई थी। राजस्थान के जैसलमेर से करीब 140 किलोमीटर दूर लोहारकी गांव के पास मलका गांव में 18 मई 1974 को भारत ने दुनिया में अपनी परमाणु शक्ति का लोहा मनवाया था। मलका गाँव के जिस सूखे कुएं में पहला परमाणु परीक्षण किया गया था, वहाँ पर एक विशाल गड्ढा और उभरी हुई जमीन आज भी उन गौरवशाली पलों की कहानियां बयां करता है। लोहारकी गांव के प्रथम परमाणु स्थल पर वैज्ञानिकों ने बटन दबाकर जब न्यूक्लियर धमाका किया था, उसकी गूंज न केवल विश्वभर में गूंजी बल्कि पोखरण का नाम भी विश्व मानचित्र पर उभर गया। उस गौरवशाली पल के गवाह रहे ग्रामीण आज भी उस परमाणु विस्फोट की कहानियां सुनाते हैं। ग्रामीणों के अनुसार उस दिन अचानक धमाका हुआ तो उनके घरों में कंपन की वजह से दरारें पड़ गईं। तब 12,000 TNT क्षमता का विस्फोट किया गया था। ग्रामीणों की माने तो एक वक्त धमाके से धूल का गुब्बारा उठा था और कुछ देर बाद शांत हो गया। इस परीक्षण में अमेरिकी प्रतिबंधों पर भारत का साथ तब के सोवियत रूस ने दिया था। उस वक्त अमेरिका की कमान राष्ट्रपति निक्सन के हाथों में थी। भारत ने जिस परमाणु परीक्षण से परमाणु शक्ति बनने तक का जो सफर तय किया उसमें इस परीक्षण का सबसे अहम योगदान था। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।